दोस्तों ये है हार्ड डिस्क। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। इससे पहले मैंने SSD के अंदर किस तरीके का इनसाइड उसका होता है, इंटरफेस कैसा होता है, उसको मैंने दिखाया था। इस वीडियो में हम इस हार्ड डिस्क को ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके का होता है इसका मैकेनिज्म। तो हार्ड डिस्क और SSD दोनों ही ये हमारी कंप्यूटर पर यूज की जाती है एक स्टोरेज के रूप में। इसी में हमारी विंडोज इंस्टॉलेशन होती है और जो भी हम इसमें फाइल, मूवी, सॉन्ग, इमेजेस जो भी रखते हैं वो सब इसके अंदर स्टोर होता है। SSD के अंदर तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है ऐसा। तो चलते हैं हम इस पर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसको ओपन। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो स्क्रूज हैं उसको ओपन करने के लिए हमको चाहिए होगी इस तरीके की एक टूल की ज़रूरत। तो इसमें जो बिट लगेगा मेरा ये वाला बिट लगेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसको ओपन किया हुआ है। इसको रखता हूँ मैं साइड में और यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 यहाँ पे स्क्रू यहाँ पे हमने ओपन करने हैं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हुआ क्या मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं टेस्ट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और भी लाते रहूँ। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर डाटा हमारा किस तरीके से स्टोर होता है। और जो हार्ड डिस्क होती है यहाँ पे, जो SSD होती है, उनसे हमें कम प्राइस में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब हम करते हैं इसको ओपन। यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरीके का इसका इंटरफेस है यहाँ पे। और इसमें आपको कुछ उंगलियों के निशान भी दिख रहे होंगे, ये मैंने इससे पहले यहाँ पे ओपन किया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं उंगलियों के निशान दिख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया हुआ था। और ये है इसकी डिस्क, यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसकी डिस्क, जिसमें हमें डाटा जो होता है वो स्टोर करा हुआ होता है। और ये रहा दोस्तों इसका यहाँ पे हेड, जो यहाँ पे ये देख सकते हैं डाटा को रीड और राइट यहाँ पे करता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे रीड राइट करता है, जिस तरीके से हमारा DVD प्लेयर में होता है उसी तरीके से इस डिस्क में हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। और ये घूमता है ये इस तरीके से, इसकी स्पीड के ही ऊपर निर्भर करता है कि 1600 RPM पर मिनट घूमेगा या किस हिसाब से ये घूमेगा, उसके स्पीड पर ही निर्भर करता है कि हमारी हार्ड डिस्क कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। जब भी आप हार्ड डिस्क को ख़रीदें उसके RPM देख लें, अगर आपके RPM ज़्यादा हैं तो बेटर है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो बेटर परफॉर्म देगी। आप इसको सेकेंडरी डिवाइस के रूप में अपने डेस्कटॉप में स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप जो विंडो और एप्लीकेशन है उसको आप SSD पर रन करें, और जो भी आपकी मूवी डाटा या आपकी जो इमेजेस हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियोस को, या YouTube की एडिटिंग करते हैं तो उसकी वीडियोस को आप इसमें इस हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंदर का कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगली वीडियो में देखेंगे हम किसी और टॉपिक में लेके आएंगे। तब तक ले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।